सभी सब्जेक्ट के टीचर होना चाहिए। हाँ। और लाइट का सुविधा और टेबल ब्रेंच कुर्सी का सुविधा। हम लोग को अच्छा स्कूल चाहिए और स्कूल में जो खप्पर का है वो खप्पर का नहीं होना चाहिए और घेरा बनवाना चाहिए, घेरा भी देना चाहिए और हाई स्कूल भी देना चाहिए और यहाँ हॉस्टल भी रहना चाहिए। स्कूल में एक चौक में टेंट होना चाहिए और जब नारा उरा लगाते हैं तो बोलने के लिए माइक चाहिए। सीसी रोड बन जाए तो दौड़त स्कूल जाही और वहाँ पढ़ाई करी तो खुश हो। खेलने का यहाँ झूला बना, झूलने के लिए और फिसल पट्टी। अच्छी 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 अच्छे मैदान एवं अच्छा स्कूल भवन होना चाहिए। वो चीज मांगते हैं, खेलने के लिए सामान मांगते हैं। सब कोई खुला ना आते तो कोई आते हैं तो बहुत नाराज़ होते हैं और डरे भी होते हैं तो बनाए दे किस तो और अच्छा रहते हैं। नहाने घर में नहाती है। हम सभी एक ही स्कूल में पढ़े, प्रधानमंत्री का बेटा से लेकर गरीब रेखा से नीचे जो उसका चिट्ठा पत्र चिट्ठा फटा आंगा पहना है उसके साथ पढ़ते तो ही समानता मांगते हैं। हम खाद्य पोषण ताकि उनको तंदुरुस्ती भी रहे और शिक्षित होना भी जरूरी है। स्कूल में आते हैं ना उसके बाद क्या अच्छा नहीं लगता है? एक बार कोई गाली गलौज करता है वैसे तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग समझाते हैं? हाँ, बोलने से नहीं मानते, फिर झगड़ा करते हैं हम लोगों के साथ। तुम लोग का उसमें क्या जा रहा है? हम लोग जो बोल रहे हैं कि बोल देते हैं शौचालय है लेकिन वो पूरा गंदा हो गया और मांगता है वो इसमें जाने का भी मन नहीं करता है। डस्टबिन तो है स्कूल में लेकिन डस्टबिन में कचरा नहीं डालते हैं, बाहर ही कचरा फेंक देते हैं तो वैसे में बोलने से नहीं सुनते हैं तो वैसे में अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है, सुनने का भी मन नहीं करता है, छुआछूत का जब बात आता है तो क्यों अच्छा नहीं लगता है। गाँव में सबसे बुरा बात झगड़ा करते हैं ना एकदम गाँव में। कैसा झगड़ा? कैसा झगड़ा, दारू पी पी कर एकदम लगाते हैं, बच्चों को पढ़ने में पढ़ने नहीं देते हैं। हाँ सर, आपको भी बंद करवाना चाहिए सरकार को, और इंग्लिश वाला जो मिलता है ना क्या क्या बोलते हैं सर, हाँ उसको भी बंद करवाना चाहिए। और शराब तो हर गांव में बनता है, उसको भी बंद करवाना चाहिए क्योंकि शराब से ही इंसान लोग बिगड़ते हैं। क्या है कि अगर दारू पी के आते हैं फिर अपनी अपनी पत्नी लोग से झगड़ा करते हैं, बच्चे लोग को जो पढ़ाई करते हैं उन लोग भी थोड़ा रुक जाते हैं। क्लास में रेंग आसकी ये सब नशा नहीं करना चाहिए। आपके स्कूल में ये सब नशा करते हैं? हाँ, लड़के लोग करते हैं। और लड़कियाँ? लड़कियाँ नहीं, टीचर लोग डांटते भी हैं लेकिन नहीं मानते। जो खाना पकाते हैं ना रसोइया होते हैं उन लोग गंदा शब्द बोलते हैं। अगर हम लोग उनको बोल दें कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं तो हम लोग को डांटती भी हैं और गंदा शब्द भी बोलती हैं। ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। बच्चों के साथ बड़े बहुत घिनौना तरीके से व्यवहार करते हैं, जैसे पीकर आके उनको गाली गलौज करते हैं, पीटते हैं, मारते हैं। और गांव वाले रास्ते में चलने वालों उसको भी गाली गलौज देते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग पढ़ लिख के क्या करोगे, बिना फालतू का पढ़ रहे, पढ़ाई को छोड़े अब जाओ जाओ खेत में जाओ काम करना है। वैसे भी बोलना भी नहीं चाहिए, उन लोग वही शराब पी के उन लोग बिगड़ जाते हैं। बच्चों के समस्या के बारे में घर वाले नहीं पूछते हैं और कभी पूछे और कभी बोल देते हैं तो क्या करोगे ये सब, कभी काम पूता नहीं करते हो, कहाँ से मिलेगा तुमको सुविधा। कड़क सब पढ़ाते हैं, उनका डर लगता है थोड़ा। बच्चे लोग बड़े लोग बच्चों से आजकल तो कम करते हैं लेकिन पहले बहुत ज़्यादा करते थे, एक दूसरे ये अपने अपने बच्चों को मारते थे और अपने अपने बच्चे को अब कुदा कुदा कर मारते थे। अभी तो कम है लेकिन हर बड़े सभी बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार नहीं करते हैं। वे अपने बच्चों और कुछ आस पास के
पड़ोस के बच्चों को ध्यान देते हैं। कुछ बच्चों पर ध्यान नहीं देते और उनके साथ ऐसा कुछ असमान व्यवहार कर देते हैं। हाँ, पढ़ लिख के क्या करोगे जो बोल देते हैं, कोई नहीं समझते हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं वो मम्मी पापा। जो बच्चे जो भी मांग करते हैं, जो सही है उसको देना है, अगर गलत है तो नहीं देना, और उसको आगे बढ़ने के लिए उसको जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए। अगर मैं बड़े होती तो बच्चों की समस्याओं के बारे में पूछती और उन समस्याओं का हल करती। एक बार में समझ ना आए तो बार बार समझाए और अच्छे से पढ़ाए और बच्चों लोगों को प्यार से समझाए। अच्छा, गांव में सभी बच्चे खुश रहते हैं क्या? नहीं। क्या कारण है कि सभी बच्चे खुश नहीं रहते? माँ बाप उन लोगों से गंदे व्यवहार करते हैं, मार पीट करते हैं। गांव के बच्चों को खुश रखने के लिए माँ बाप और गांव के बड़े लोगों का सहयोग होना चाहिए। क्या गांव के सभी बच्चे खुश रहते हैं? क्यों खुश रहते हैं? रोज स्कूल जाते हैं तो नई नई बात सीख कर आते हैं, तभी खुश रहते हैं। घर में भी मम्मी डैडी खुश रहते हैं, नहीं डांटते हैं तो घर में खुशहाली भरी रहती है, तभी तब खुश रहते हैं सभी बच्चे। और सभी बच्चे खुश रहते हैं? नहीं, पढ़ाई करने कोई नहीं जाता है और किसी के पास कपड़ा नहीं है, भोजन नहीं। क्या बड़े हो जाएंगे तो ऐसे ही खुश रहेंगे? पता नहीं, वो तो किस्मत का खेल है कि खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे।